एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे। उसने घोड़ा 10% लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? एक चीज को कितने परसेंट लाभ पे बेचा है? 10%। 10% लाभ का मतलब कितने परसेंट पे बेच दिया उसने? 110% पे। दूसरी को 5% आनी, यानी कितने परसेंट पे बेच दिया? कुल क्या हुआ उसे? 1% का लाभ, यानी कुल कितना हो गया? 100। इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में कितने का अंतर है? 6 और 9 का अनुपात उन दोनों राशियों में 2 से कट गया। 3 दूनी 6, 3 तेउ कट गया, 3 तिया 9। दोनों राशियों में कितने का अनुपात है? 2 3 का। कुल कितनी थी? 40,000। 2 और 3 का जोड़ 5 किसके बराबर है? 40,000 के। 5 बराबर है कितने के? 40,000 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा? बटे 5, 8,000 के। ये 8 दूनी 16,000 और ये 8 तिया 24,000। 16,000 कौन है जो 10% लाभ पे बेचा गया? क्या बेचा गया था 10% लाभ पे? घोड़ा। ये 5% आनी पे क्या बेचा था? वाहन। वो कितने रुपए का है? 24,000 रुपये का। ठीक है, अगर पूछ लेता हूँ उन दोनों वस्तुओं में गाड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। गाड़ी का विक्रय मूल्य, गाड़ी ये है 5% आने वाली, ठीक है। गाड़ी कितने रुपए की खरीद रखी है उसने? 24,000 रुपये की। क्या निकालना है आपको? इसका 95% निकाल दो 24,000 का। गाड़ी का विक्रय मूल्य निकल गया। चौबीस पंजे 120, 24 निम्मा 216, 216 में 12 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? ये एक आदमी ने 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदे। एक पंखा 15% लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि, तो लाभ पर बेचे गए पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या क्या है? एक को 15% लाभ पर, 15% लाभ का मतलब कितने परसेंट में बेच दिया? दूसरे को 91% पे। पूरे सौदे में क्या होया? ना लाभ ना आने का मतलब है। सो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, अनुपात है। ठीक है, कुल जोड़ 3 और 5 है, 8 किसके बराबर है? 2160 के। 8 बराबर 2160 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा? बटे में 8, 8 तब आ करो कितना हो जाएगा? ठीक है, 270 हो गया। इसका मूल्य कितना है? 270 गुणा में 30, 810। इसका मूल्य कितना है? 270 गुणा में 5, 1350। आ गया दोनों का मूल्य। ठीक है, अब किसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है? लाभ वाला, यानी ये 810 का कितने परसेंट निकाल दूं? 115%। ठीक है, कर दो इसकी गुणा। अरे एक के पीछे पॉइंट लगा दिए। एक फल विक्रेता ₹10 में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और ₹10 में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है, और वह ₹20 में 9 की दर पर सारे संतरे बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? ₹10 के 4 संतरे ले लिए, ठीक है, ये लिख दिए रुपये, ₹10 के लिए आया। ठीक है, ये लिख दिए संतरे, कै संतरे ले आया? 4। ठीक है, दूसरी लाइन में नु गए उतने ही संतरे जितने ये लेके आया, ₹10 में 5 की दर तोड़ ले आया। ठीक है, दूसरे लेके आया ₹10 में 5, क्या ये दोनों संतरे बराबर है? नहीं है ना, पहले इनको बराबर करो, क्योंकि उतने ही लेके आया ना, यहां पे तो 4 लिया, यहां पे 5 लिया, दोनों संतरे तो बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए ऊपर कैसे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से। नीचे कैसे कर दूं? 4 से। इस साइड भी 5 थे, इस साइड भी 4 थे। इब कै संतरे आ गए? 20 ये 20 ये। कै संतरे हो गए? 40 संतरे। कै रुपया के हो गए? 90 रुपया के।
बेचे किस बाहें बे? 20 के 9। ठीक है, ई पे बेचते आना 9 बेचे हैं उसने, कै रुपया गए? 20 के। ई खरीदे तू 40 और बेकवान लाग रहे तुम 9। ठीक है, तो इसने भी बराबर करके ले गया इसके। ठीक है, संख्या को बराबर करो इसको संतरे को। इब जितने संतरे तुमने खरीदे उतने ही तो बेचोगे। कितने संतरे खरीद के ले गए रहे हो तुम? 40। तो इब 9 थोड़ी ना बेच सको, तुम कितने बेचने पड़ेंगे तुमने? 40 संतरे तो बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके 40 संतरे बनाने क्या कर दूं इसने? 40/9 तो गुणा कर दूं, बढ़ गया ना 40 संतरे। ठीक है, इस साइड भी कितने तो गुणा कर दूं? 40/9 थे, आएगी बात समझ में? ठीक है, इब 40 खरीदे थे, 40 बेच दिए, 40 खरीदे कै रुपया गए थे? 90 रुपया गए। 50 और 40 90, और 40 बेचे कितने गए? इनकी गुणा बटे में 9, 800/9। तो बेचे कितने गए? 800/9। 9 तो भाग करो कितना आ जाएगा, फिर 90 में माइनस कर लो इसमें। ठीक है, 90 में 90 ही खरीदे थे ना। ठीक है, 90 में माइनस करो कितना हो जाएगा? 9 81, 810 माइनस 800/9, कितने का नुकसान हो गया? 10/9 का हो गया ना, 10/9 का नुकसान। कै रुपये लगाए थे अपने घर तक काम पे? 90। हानि प्रतिशत निकालना है, जितनी हानि हुई बटे में जितने रुपए लगाए, और गुणा में 100। 10 थे, 10 कटे, कितना हो गया? इतने परसेंट की हानि हुई है, 81 19/81% निकिता ने 30 किलोग्राम गेहूं 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से, 40 किलोग्राम गेहूँ 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा, और उन्हें मिलाकर 8.90 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। तो इस प्रकार इस सौदे में हुए उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। 30 किलोग्राम गेहूँ किस भाव है? 9.5 रुपये। 40 किलोग्राम किस भाव है? 8.5 रुपये। पहला यह देख लो, यो कितने रुपए का खरीदा, यो कितने रुपए का खरीदा? 30 किलोग्राम 9.5 के तक गुणा करो, 1 रुपया खरीदा। 30 × 9 = 18 रे के 19/2 19 15 = 19 95 5 9 19 = 19 19 98 285 रुपया खरीदा है। यो दूसरा 40 × 17/2 340 का टोटल कै रुपया खरीद लिया उसने? दोनों का जोड़ और यो 625 रुपये का खरीद लिया। जब बेचन लग गया था क्या किलोग्राम ले रहा वो? 70 किलोग्राम बेचा किस बा है? ठीक है, 8.9 यो गुणा कर दिया 8.9 थे। ठीक है, पॉइंट इस जीरो ने खा जाएगा, इनकी गुणा कर दो 63 6 8 7 56 56 और 6 कै रुपये का बिक गया? 623 का। खरीदा कै रुपये का था? कै रुपये का फायदा नुकसान हो गया 2 रुपये का। देखो अगर परसेंटेज पूछता तो क्या हो जाती? 2 रुपये का कै रुपया पे, और गुणा में 25 पे 8/25% का क्या होने लग रहा उसको? एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 10% की बढ़ोतरी कर देने पर उसकी बिक्री में 20% की कमी आ जाती है, तो उसके पहले की बजाय होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कोई चीज पहले 10% बढ़ गई, फिर 20% घट गई, ठीक है, प्लस 10 है माइनस 20 है, प्लस और माइनस की गुणा, माइनस 20 गुणा 10/100 जो 0000 प्लस 10 माइनस 20 कितना बच गया? माइनस 10 और माइनस 2 कितना हो गया? तो इस बात का मतलब क्या हो गया? 12% की उसने पहले की बजाय हानि होगी। या बात समझ में नहीं आती तो न्यू देख लो। देखो 100 रुपये की कोई चीज थी, 100 चीज बेचा था वो, टोटल कै रुपये की बेचने लग रहा था? इतने की बिकती होंगी ना उसकी। 100 रुपये की कोई चीज थी, 100 चीज बेचा करता, कितने की बिक थी? 10,000 की।
मूल्य उन्हें 10% बढ़ा दिया, यह चीज़ क्या रुपये की कर दी, तो बिकनी कितनी कम होगी, 20% तो 100 में कितनी बिकन लग गई भाई, 80, तो क्या रुपये की बिके, 110 × 80, ठीक है। जब 8800 की बिके हैं, 10,000 की पहला बिके थी, कितने कम बिकन लग गई, 1200 की, और कितने में गए गुणा में 100, ये न्यू कर दो, 12% की आनी होगी। एक व्यापारी अपनी वस्तुएं 20% अधिक अंकित करता है, उसने क्रय मूल्य से ग्राहक को 10% की छूट देता है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 216 रुपये में बेचा जाता हो। यह लाइन जो आड़ करता अंकित करता है उसे क्रय मूल्य से इसे लाइन खत्म हो गया, तो उसने क्या बोला फिर आपको, आप इतने दिनों बाद आए तो आपको 10% की छूट, अब 10% की छूट दे दी तो वो चीज कितने परसेंट में पड़ गई आपको, अंकित मूल्य के कितने परसेंट में पड़ गई आपको, 90% में, अंकित मूल्य का 90% किसके बराबर है, 216 के, अंकित मूल्य का 1% किसके बराबर होगा, बटे 90, पूरा अंकित मूल्य कितना होगा गुणा में 100, इतना उसने उसके ऊपर लिख रखा है मूल्य, 0 से 0, 9 से 1 कैंसिल, 9 × 2 = 18, 9 × 4 = 36, कितने रुपए लिख रखा है उसने उसके ऊपर, 240 रुपये। अब 240 रुपये मूल्य कब हुआ है उसका, जब उसने क्रय मूल्य को कितना बढ़ा के लिखा है, 20%, यानी ये 240 क्रय मूल्य का कितने परसेंट है, क्रय मूल्य का 120%, यानी 120% बराबर है कितने के, 1% कितने के बराबर है, और क्रय मूल्य कितने के बराबर, 100%, 12 तो कट गया 2 पे, उस वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये। एक फल विक्रेता 240 सेब रुपये 600 के खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब निकले और उसने शेष सेब 3.5 रुपया प्रति सेब की दर से बेचे और उसे 198 रुपये का लाभ अर्जित किया, तो खराब निकलने वाले सेब कितने प्रतिशत थे, 600 रुपये के लेकर आया 198 रुपये कमा लिए, तो कह रुपये के बेचे होंगे 798 बेचे होंगे, जब 798 के बेचे होंगे उस टाइम पे सेब कितने बेचे होंगे 798 के, एक सेब कह रुपये का है, अरे बता दे दी यार सारी, उसने 798 के बेचे हैं, एक सेब 3.5 रुपये का है, यो ले उत्तर, इतने सेब बेचे हैं उन्हें, बाकी के खराब, 7 × 7 = 28, 114 × 2 = 200, क्या खरीद के ले आया था, क्या सेब खराब लगने होंगे, कितने में गए, 12/240 × 100, इतने परसेंट खराब लगने लो। यो था सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5/9 है उसके अंकित मूल्य के और लाभ 20% है, तो बट्टे का प्रतिशत क्या है, यानी मैंने एक बात बता रहा है, धरती अट्टे बट्टे में कोई चीज दे दी तो वे दोनों बता दी उसने धरती के वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपये, तो MRP कितना है, ये दोनों चीज बता दी उसने धरती, ठीक है, और आगे क्या बताया उसने, लाभ प्रतिशत कितना बताया, 20% लाभ होने का मतलब कितना होया, अगर 20% 20 रुपये लाभ लूंगा कह रुपये पे 100 रुपये पे, यानी 1 रुपया लाभ लूंगा कह रुपये पे, प्रॉफिट क्या परसेंट लेना, हमने कह रुपये लेना है, 1 रुपये प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट हो गया 1 रुपये, तो वह चीज बेची क्या की होगी, 6 की बेची, और वह चीज लिख के रेट कितना लिख रखा था उसके ऊपर 9, तो जब दुकानदार ने 6 रुपये की बेची 9 रुपये के ऊपर लिख रखा था, तो उसने 1 रुपया की छूट दी है, 3 रुपया भी 1 रुपया पे 9 पे 3/9 × 100 = 33.1%। एक वस्तु का अंकित मूल्य 40% अधिक है उसके क्रय मूल्य से, छूट का क्या प्रतिशत दिया जाए कि उसे 12% का लाभ हो। अब जब सबसे पहले उसने बताया किसी चीज में किसी कीमत के बारे में बात की, तो उसने सबसे पहले बोला भाई किसी वस्तु का मूल्य, ठीक है, 40% अधिक अंकित कर दिया जाए, यानी वह चीज क्या रुपये की थी, 100 रुपये की, उसने MRP कितना लिख दिया उसके ऊपर 140,
लाभ पे कितने पे बेची? 12% पे। तो बेच दी कितने रुपये की? यह एकानी होगी ना, ठीक है। इव उसने जब इतने रुपये की बेची है तो दुकान वाले ने जब वो गया जब कितने रुपये की बताई थी? 140 की। बेची कितने की है? 112 की। नहीं, उसने कितने परसेंट की छूट दी उसने? क्या रुपया की छूट दी उसने? 28 रुपया की। कितने रुपया पे? क्या परसेंट की छूट होगी? 28 बट 140 गुणा में सो 14 दूनी 28। क्या परसेंट की छूट दी?